ब्राजील में नए साल पर लुला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 10,000 सुरक्षा बल मौजूद रहे। उनके समर्थक अपने नेता को राष्ट्रपति बनते देखने के लिए प्लेन, गाड़ियों और साइकिलों पर समारोह स्थल पर पहुंचे। शपथ लेने के बाद लुला डा सिल्वा ने कहा कि हम ब्राजील का पुनर्निर्माण करेंगे। सालों तक लड़ाई कर हमने जो अधिकार, आज़ादी और विकास पिछले कुछ समय में खोया है, उसे वापस हासिल किया जाएगा। लुला डा सिल्वा ने ब्राजील के गरीब लोगों के जीवन में सुधार, नस्लीय और लैंगिक समानता को लेकर काम करने का वादा किया।